एवरीवन, सो यार आईएएसटी की फाइनल ऑलमोस्ट राउंड आर कंप्लीटेड एंड अभी एक स्पोर्ट राउंड का एडमिशन का प्रोसेस आपने सुना होगा। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर क्यूरियस अबाउट द स्पोर्ट राउंड एडमिशन की भैया आईएएसटी में स्पोर्ट राउंड में क्या हमको सीट मिल जाएगा, क्या हमको सीट अलॉट होगा कि नहीं होगा। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट अप्रोक्स डाउन टू अर्थ 100 है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ भैया, मैं जिनकी स्पोर्ट जिनकी वेटिंग लिस्ट 100 से कम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 50 से भी कम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी 10 से भी कम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी 5 से भी कम है। और यार मैंने ऐसे भी बहुत सारे पिछले कई सालों में बच्चे देखे हैं जो कि 2 वेटिंग लिस्ट की वजह से एडमिशन से रह गए। एक बच्चा तो ऐसा भी रहता है जो सिर्फ एक वेटिंग की वजह से रहता है कि भैया एक वेटिंग लिस्ट रह गया और मैं आईएएसटी में एडमिशन नहीं ले पाया। यार वी आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स टू प्रोवाइड द एडमिशन एंड बेस्ट गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। आपको यार बहुत सारी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू डोंट हैव द नॉलेज अबाउट द एडमिशन कि भाई हमको लोड होगा कि नहीं होगा, हमारी 50 वेटिंग चल रही है, हमारी 60 वेटिंग चल रही है, वी आर फ्रॉम द गर्ल्स कोटा, वी आर फ्रॉम द SC/ST कोटा, वी आर फ्रॉम द डिफरेंट एबिलिटीज कोटा एंड लाइक दैट, हमको सीट अलॉट होगा कि नहीं होगा, हमको NIT मिल रहा है, हमको IIIT मिल रहा है, हमको कौन सी ब्रांच पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारा नॉलेज अच्छा लगता है देन यू कैन गेट ऑल द पेड काउंसलिंग सर्विसेज एंड जो भी है हम हमारी तरफ से आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं टू प्रोवाइड ए बेस्ट अलॉटमेंट, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कॉलेज टू यू। ओके यार, तो बात करते हैं हम स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस की। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेटिंग लिस्ट अप्रोक्स 100 से कम आ रहा है भैया, कि हमारा 100 से भी कम आ रहा है, देन यू हैव द गुड चांसेस टू गेट ए अलॉटमेंट इन द स्पोर्ट राउंड एट IIST। अब स्पोर्ट राउंड का क्या प्रोसेस रहता है, स्पोर्ट राउंड के लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा IIST के द्वारा कि स्पोर्ट राउंड के लिए क्या प्रोसीजर है, हालांकि इसके लिए कोई आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, यूजिंग योर क्रेडेंशियल, यूजर आईडी, पासवर्ड, यू नीड टू अप्लाई फॉर द स्पोर्ट राउंड एडमिशन, यू नीड टू गिव योर प्रेफरेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड आपकी अगर रैंक मैच होती है देन आपको एक अलॉटमेंट आता है, आपको अप्रोक्स 2 hours का टाइम दिया जाता है। इन द 2 hours यू नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट योर फीस। हालांकि स्पोर्ट राउंड एडमिशन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कैटेगरी कंसीडर नहीं की जाती है, या फिर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं देन यू नीड टू सबमिट योर फुल फीस, बिकॉज उतने से टाइम में IIST के पास टीम के पास 2 घंटे में इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो है ये वेरीफाई कर सके कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको एक कोटे का फायदा दे सके, फीस का फायदा दे सके, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। देन स्पोर्ट राउंड में आपको फुल फीस जमा करानी पड़ती है एंड अगर आप किसी कोटे से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं फॉर द फी वेवर, देन आपकी फीस जो है या तो राउंड ऑफ हो जाती है या फिर टीम IIST आपका रिफंड कर देती है बाद में। हालांकि यार सबसे बड़ा इशू यह देखा जाता है कि यह जो राउंड्स है वो काफी दिनों तक चलते हैं, क्योंकि जनरली आपने अभी तक देखा होगा अभी तक अप्रोक्स 10 राउंड कंप्लीटेड हो चुके हैं, लेकिन जो स्पोर्ट राउंड होता है वो अप्रोक्स 20 राउंड तक चला जाता है, 29 राउंड तक। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी पेरेंट्स या जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी सीटें कैंसिल हो जा रही है अलॉटमेंट होने के बाद भी। क्यों? डॉक्यूमेंट इश्यू, सेकंड फीस इश्यू, थर्ड कि अप्लाई नहीं कर पा रहे या उनका रुझान नहीं है, देख नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। क्योंकि अगर अलॉटमेंट हो रहा है अगर स्पोर्ट राउंड के अंदर और अलॉटमेंट इतना आगे चला जा रहा है कि पूरे पहले 10 राउंड हो रहे हैं और स्पोर्ट राउंड के अंदर अप्रोक्स 20 राउंड चले जा रहे हैं भैया, 24 राउंड चले जा रहे हैं, 30 राउंड चला जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि आपकी सीटें कैंसिल हो रही है, जिनको अलॉट हो रही है वो सीट ले ही नहीं पा रहे, वो फीस भर ही नहीं पा रहे, इसलिए स्पोर्ट राउंड में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, अप्रोक्स 2 hours का टाइम दिया जाता है एंड आपका अलॉटमेंट अप्रोक्स सुबह 9 या 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है एंड शाम को अप्रोक्स 6 या 7 बजे तक आपके अलॉटमेंट चलते हैं। 2 hours के फेजेस के अंदर आपके लिए अलग अलग अलॉटमेंट निकाले जाते हैं। आप यार अगर डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, आपके अगर
अच्छे मार्क्स है, आपके जेईई एडवांस में अच्छे मार्क्स है, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स है, टेंथ में अच्छे मार्क्स है, आप अगर एक बहुत अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हैं, आप आईएएसटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और भी बहुत सारे लो टॉप ऑप्शन है भैया, जेईई एडवांस में हमारे इतने मार्क्स आए हैं, क्या हम वीसी से अप्रोच कर सकते हैं, वाइस चांसलर उसके हाथ में बहुत सारे सब कुछ इसी के हाथ में होता है भैया, क्या हम रजिस्ट्रार को अप्रोच कर सकते हैं, क्या हम आईआईपी, क्या हम आरजीआईपीटी, क्या हम IIIT, क्या हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आप क्या हम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, क्या हम अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं, क्या भैया अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जो एरोस्पेस प्रोवाइड करते हैं, हाँ इसरो में डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाए, हमारे लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है। नो वरी, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम भी हम प्रोवाइड करते हैं, गारंटेड एडमिशन मनी बैक गारंटी प्लान भी हम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, अगर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प नहीं मिलती है, देन वी विल इश्यू योर 100% रिफंड। यार मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको बोलेंगे भैया ₹999 दे दे, हाहा चॉइस फीलिंग बना के देता हूँ तेरे को, काउंसलिंग करके देता हूँ, बच के रहो यार ऐसे लोगों से, ठीक है। आपने 3-4 लाख रुपए इंस्टीट्यूट के अंदर पे किया जेईई की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए, और वो काउंसलिंग के ₹999 देके, किसी को ₹200 देके, किसी को ₹300 देके, क्यों उसको पानी में भार रहे हो अपने 3 लाख रुपयों को जो आपने इंस्टीट्यूट में पे किए हैं, 2 साल की आपने मेहनत की है, तो थोड़ा सोचें। और आपको अगर हेल्प नीड चाहिए रिगार्डिंग द काउंसलर, आपको अलॉटमेंट आएगा नहीं आएगा क्या सीन है, इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन।